लोकसभा चुनाव के वोट हो रहे हैं, आपको पता है तीसरे चरण का चुनाव है, 93 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, उसमें अहमदाबाद भी है। और आज अपने सुबह सुबह प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें और अमित शाह की तस्वीरें भी देखी होंगी, जिन्होंने खुद अपना वोट जाके कास्ट किया। अभी तक की खबर यह है कि 1 बजे तक करीब 40% मतदान हो चुका है। थोड़ा और ग्राउंड चेक करवा लेते हैं, हमारे संवाददाता हितेन विठलानी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेन, जरा मेरे को ग्राउंड चेक बताइए, एक तो गर्मी बहुत है, वजह यह बताया जा रहा है कि दिन में इसलिए वोटिंग जो टर्न अराउंड हो रहा है वो थोड़ा कम है, या तो वोट सुबह सुबह डाले जा रहे हैं या तो फिर शाम के सेगमेंट में डाले जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी काफी है। इस समय की यथास्थिति क्या है? हमारे पास जानकारी है कि 40% वोटिंग हो चुकी है अभी तक 1 बजे तक। अब बिल्कुल देखिए, 1 बजे तक अगर बात करें तो पूरे गुजरात की 25 सीटों पर 37.83% वोटिंग हुई है। अभी 2:30 बज रहे हैं, लगभग लगभग अभी 2:45 बज रहे हैं, तो अगर बात करें तो अब तक अप्रोक्सीमेट 42% जितना वोटिंग जो है वो हुआ होगा। हालांकि आधे घंटे बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑफिशियल एक स्टेटमेंट डिक्लेयर करेगा, जिसमें पता चल जाएगा कि 3 बजे तक कितना परसेंट वोट हुआ है। हालांकि बिल्कुल सही बात है, देखिए 43% टेम्परेचर है, गर्मी बहुत है, ऐसे में माना ये जा रहा था कि सुबह सुबह वोट ज़्यादा होगा, लेकिन सिटीज़ में, शहरी इलाकों में सुबह सुबह वोट इतना ज़्यादा हुआ नहीं है, और वो वोट जो है 12 बजे बाद कहीं ना कहीं दिखा है शहरी इलाकों में, और उससे उल्टा ग्रामीण इलाकों में सुबह से लेकर अब तक काफ़ी अच्छी वोटिंग हो रही है। शहरी इलाकों में माना जा रहा है कि 4 से 6 ये जो 2 घंटे होंगे वो काफ़ी अहम होंगे, क्योंकि जब पारा थोड़ा कम होगा उसके बाद ही कहीं ना कहीं सिटी में लोग जो है वो बाहर निकलेंगे और अपना वोट जो है वो देंगे। तो लगभग लगभग अगर अब तक हम देखें तो 2019 में 64 पॉइंट समथिंग था और 2014 में 63 पॉइंट समथिंग था, तो करीब करीब अगर अब देखें 1 बजे तक का अगर ऑफिशियल जो आंकड़ा आया है, फिगर आया है, उसको अगर देखें तो 6 बजे तक लगभग लगभग वही 64 या 63 या उसके आसपास 60 प्लस ही होगा, इतना अनुमान जो है वो इलेक्शन कमीशन का भी कहना है। और साथ ही साथ ये लग रहा है कि अगर कम वोटिंग हुई तो वो इफेक्ट गर्मी की एक होगी, दूसरी तरफ जो सत्रिय आंदोलन गुजरात में हो रहा है उससे भी कहीं ना कहीं कुछ तबका जो है वो नाराज है। हालांकि मोदी से बैर किसी को नहीं है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पहुंचे थे कैंपेनिंग के लिए उस वक्त भी पीएम का विरोध किसी ने नहीं किया था, 2 दिन के लिए पूरी तरह से सारे प्रोटेस्ट बंद कर दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं एक ये भी एक माना जा रहा है कि क्षत्रिय कम्युनिटी में जो लोग नाराज है वो बीजेपी के अगेंस्ट वोट ना देना हो इसलिए वो बाहर भी ना निकल रहे हो, ये भी एक हो सकता है। तो बीजेपी को इसमें ज्यादा डैमेज कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रहा है। ठीक है हितेन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप नजर बना के रखिएगा, कोई अपडेट मिले तो हमको बताइएगा। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कम से कम 60% की वोटिंग तो हो ही जाएगी, इतनी तो होनी चाहिए, इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए वोटिंग तो, लेकिन फिर भी पहले 2 चरणों में जो वोट गिरे हैं उसके हिसाब से कम 60 से 65% वोटिंग भी हो जाए ना, तब भी बहुत बड़ी बात हो जाए।